क्या कोई है? ओ ओ ओ ओ भाई, ओ वो क्या अंदर भाई? ओ भाई नीचे, ओ भाई ये क्या यार, कोई जानवर है क्या भाई? भाई लाइट बड़ी करके देखने दो। ओ ओ भाई भाई, ओ पीछे, ओ दोस्तों मैं निकल रहा हूँ यार यहाँ से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द आरजे व्लॉग्स। और यार सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों से और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली से हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ कि लगभग वीडियो डाले हुए 10 से 11 दिन हो चुके हैं। और इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूँ यार, कि देखो मेरे पिताजी का हुआ है हार्ट का ऑपरेशन, ठीक है, और अभी भी वो हॉस्पिटल के अंदर है और वहाँ पर मैं अपनी मम्मी को और अपने भैया को छोड़ के आया हूँ। उन्होंने पूछा भी था कि इतना इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो गया जो तू इस कंडीशन में छोड़ के जा रहा है। तो यार देखो पहले से ही मूड ख़राब है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है ना बहुत क्रिटिकल है। आपको पता होगा कि हार्ट के ऑपरेशन में कितनी रिस्क होती है। डॉक्टरों ने भी बहुत सारी बातें ऐसे बोली थी कि यार मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ आने की वजह थी दोस्तों कि यार आप लोगों के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इतने कमेंट आ रहे थे भर भर के कि यार भैया उस जगह जाओ, उस गांव में जाओ जहाँ पे ज़ॉम्बी दिखाई दिए। यहाँ पे रवि भाई भी आके गए थे अपने आर भाई। तो यार सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कि यार देखो आज के टाइम में ज़ॉम्बी जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पहले सबसे पहले ये बात बता दूँ कि 2022 चल रहा है, इसमें ज़ॉम्बी जैसा कुछ भी नहीं होता। और मेरी कंडीशन दोस्तों ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ख़राब है। 8-9 दिनों से हॉस्पिटल में ही था, वहीं पे पापा के पास में। तो यार सर्दी जुकाम हो रखा है और बोलने की भी कंडीशन नहीं है। मजबूरी कुछ ऐसी थी कि यार आप लोगों का प्यार था जो यहाँ पे आना पड़ा पिताजी को इस कंडीशन में छोड़ के। मैंने घर वालों से सिर्फ एक ही बात बोली थी कि बस मेरे को कुछ टाइम दे दो, सिर्फ मेरे को एक दिन दे दो, मेरे को एक जगह जाके आना है, मैं तुरंत अगले रोज़ वापस हॉस्पिटल आ जाऊँगा। और दोस्तों अभी रात को इस लोकेशन को शूट करके और मैं तुरंत अगर पॉसिबल हुआ तो नाइट में ही वापस निकलूँगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं है। वैसे मेरे होम टाउन से जयपुर लगभग 100-125 किलोमीटर है, तो हो सके मैं रात को ही निकलूँ। और यहाँ पे कितनी देर लगती है लोकेशन पे वो डिपेंड है यहाँ पे रुकने पे और यहाँ पे क्या होता है। तो आप लोगों की दुआ चाहिए, प्यार चाहिए कि यार मैं सही सलामत यहाँ से निकल पाऊँ। और आज दोस्तों ना मेरा कैमरामैन है ना कोई और साथ में है, मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ केवल आप लोगों के कहने पर, ठीक है। तो बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। और यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। जब मैं अपनी फैमिली इतनी रिस्क में होने के बाद, इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो यार आप भी है ना एक वीडियो को लाइक दे दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो बिना देर करे बढ़ते आगे की तरफ और देखते हैं कि जो चीज़ अपने आर भाई को दिखाई दी थी वो हमें भी दिखाई देती है क्या। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि यार भैया उस गांव में ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, और दोस्तों इस गांव की मैं कहानी आपको बता दूं कि यार यहां पे ये जो गांव है ना इस पे एक शैतान का कब्जा था। ना तो वो इस गांव से किसी गाँव वाले को बाहर जाने देता था और ना ही कहीं कोई दूसरी जगह से कोई बंदा इस गाँव में आता था, ठीक है। वो शैतान अगर किसी ने ज़बरदस्ती, बहुत से लोगों ने यहाँ से जाने की कोशिश भी करी तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। तो यार इसकी ये कहानी सुन के तो मुझे भी कुछ अजीब लगा, इसीलिए मैं इस जगह पहुंचा। और मेरे पीछे आपको एक लाइट दिख रही होगी, ये शायद रोड लाइट लगी हुई है पीछे, मैं वहाँ तक अभी गया नहीं, अभी चलेंगे तब देखेंगे। तो दोस्तों ये जो रोड लाइट है ये भी शायद रोड वालों ने लगा रखी है। फिलहाल यहाँ पे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, पूरा वीरान पड़ा है, लेकिन बस अपन देखने आए उन ज़ॉम्बी को कि यार वो हकीकत में है या बस ऐसे कोई कहानी है। तो चलते आगे फटाफट से, चैनल को कर दो आप सब्सक्राइब। यार दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि इस गांव में हमें भी कोई ज़ॉम्बी दिखाई देता है क्या। यार जिस हिसाब से ये जगह दिख रही है ना, शायद ही कोई यहाँ आता होगा,
रात में तो क्या, दिन में भी कोई आना पसंद नहीं करेगा, इतनी वीरान हो रखी है ये जगह। यहाँ पे शायद गांव वालों के बैठने के लिए चेयर वगैरह लगी हुई है, झाड़ियाँ वगैरह भी पड़ी है दोस्तों। बाकी एक डर्क यहाँ पे कुछ जला हुआ है शायद, हो सके दोस्तों ऐसी जगहों पे तांत्रिक वगैरह भी आते हैं। बस देखना ये है कि यार हमें भी कुछ दिखाई देता है क्या। कसम से बाकी जैसा सुना था ना, उससे कई गुना ज़्यादा डरावना है ये गांव, और अकेले आने का रीज़न सिर्फ ये एक ही है कि यार मजबूरी ऐसी थी दोस्तों कि ना तो किसी को मैंने फ़ोन करा आने के लिए, ना मेरे कैमरामैन को बोला कि भाई कहीं शूट पे चलना है, बस आप लोग कंटिन्यू कमेंट करे जा रहे थे, इस वजह से आपके भाई को यहाँ पे आना पड़ा है। पिताजी की हालत भी अभी ठीक नहीं है, मजबूरन यार दोस्तों उनको इस कंडीशन में छोड़ के आना पड़ा है। शायद ऊपर वाला मुझे माफ़ ना करे, लेकिन यार जैसे वो फैमिली है वैसे एक आप भी हो यार, इतने लोगों के कहने के बाद मैं यहाँ नहीं आता तो वो गलत होता यार। अभी तक तो यहाँ पे कोई चीज़ दिखाई दी नहीं है। ओ, ओ, इस रूम में से कोई आवाज़ आई है क्या, कोई है यहाँ पे? क्या कोई है? ओ, 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 ओ भाई वो क्या अंदर भाई, ओ भाई नीचे, ओ कौन है? ओ भाई लाइट की क्या लाइट, मेरे पास टॉर्च है दोस्तों, अचानक से लाइट बंद हो गई। ओ भाई भाई सामने दोस्तों, वहाँ सामने कहाँ गई वो चीज भाई? यहाँ इस सीढ़ियों के पास कोई चीज थी इस रूम में से, एक बार अंदर जाके देखता हूँ भाई। ओ भाई यहाँ कोई नहीं है दोस्तों, इस रूम में कोई नहीं, लेकिन इधर कोई तो चीज थी यार कसम से दोस्तों। जस्ट या उस तरफ एक अजीब सी आवाज, वो क्या है? ओ भाई भाई ओ दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आगे जाके देखता हूँ मैं ये क्या चीज है। कौन है भाई? ये क्या यार, कोई जानवर है क्या भाई? एक बार लाइट बड़ी करके देखने दो। ओ भाई भाई क्या, कौन था यार वो? ओ भाई ये फिर से ये क्या यार? ओ भाई 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 पीछे 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 होना पड़ेगा इस जगह से भाई। क्या यार भाई, एक बार हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं, आखिर
ये चीज क्या है यार, इस रूम में भी कोई चीज था वो ज़ॉम्बी के जैसे ही। भाई पूरा गांव डरावना हो रखा है यार, ये पूरे लोग इसको खाली करके जा चुके हैं। ये एक रोड लाइट लगी हुई है बस, और कुछ नहीं है। इधर से कोई आवाज है, हो पीछे भाई, इधर भी पूरे घर खंडर पड़े हैं। हो 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 भाई, हो उधर कोई आवाज आ रही है भाई पीछे से। यहाँ क्या है भाई, ये सब जगह दोस्तों देखो ताले लगे हुए। बजरंगबली ये क्या है यार, ये भाई भाई समझ में नहीं आ रहा यार, रुको मैं यहाँ से निकलूँ यार दोस्तों। भाई पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ यार दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मेरी और घर वालों की और परेशानी बढ़े। यहाँ खड़ा था भाई, यहाँ पे एक नहीं है यार, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे ऐसे, हो चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है दोस्तों। ये देखो ये भी पूरा बंद पड़ा है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पूरा गांव वीरान है, और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा यार। कौन है, क्या कोई है यहाँ पे? सामने हो भाई, चारों तरफ यही है यार भाई। ओ भाई, ओए ओए, इस तरफ तो कोई रास्ता भी नहीं है। ये मेरी तरफ भी बढ़ रहा है। ओ भाई, ओ तेरे, ओ भाई भाई भाई, कहाँ गया भाई? भाई कैसे भी करके इस जगह से निकलना है, वरना दोस्तों पांच छह है ये, एक दुनिया, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। आवाज देखो, ये कैसी आवाज है, ओ ओ ओ, ओ भाई, ओ पीछे, ओ दोस्तों मैं निकल रहा हूँ यार यहाँ से।